اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصوم حجت ابن الحسن <سؤال> صلواتك عليه وعلى وقائدا وناصرا ودليلا وَأَنَا حتى تسكنه ارضك وتمديه فيها سبيلا برحمتك يا

उस नबी पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है और हर नबी ने आके अपनी उम्मत से यही कहा कि मेरे बाद ये नबी आएगा और आखिरी नबी पर ईमान लाना है फिर हमारे नबी का ज़िक्र तौरात में भी है हमारे नबी का ज़िक्र इंजील में मौजूद है हमारे नबी का जिक्र जब्बूर में मौजूद है सारी आसमानी किताबों में मौजूद था फिर क्या वजह थी कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहूर हुआ तो दूसरे लोग जो थे वो ईमान नहीं लाए बहुत कम लोग थे जो ईमान लाए तो उसकी वजह यही फ़िरका परस्ती कौम परस्ती और तसब कि इन लोगों ने अपने अपने मज़ाहब वालों ने इतना तसुब फैला दिया कि दूसरे फ़िरक़े की बात सुनो ही नहीं दूसरे फ़िरके के पास जाओ ही नहीं फ़िरका परस्ती की वजह से कौम परस्ती की वजह से ये नतीजा हुआ कि जिस नबी का वो इंतज़ार कर रहे थे और हर नबी ने आकर बिशारत दी कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएंगे जो हमारे भी नबी हैं जो आलमीन नबी हैं उसके बावजूद जब हमारे नबी आए तो ये लोग मुखालफत करने लगे तो आपने देखा कि ये तसब कहाँ से फैलता है तस्सुब वहाँ से फैलता है फ़िरका परस्ती वहाँ से फैलती है जहाँ दूसरे की बात सुनने ही न दी जाए इसी से ही सारी मुसीबतें खड़ी होती हैं इसीलिए इस्लाम ने फरमाया कि ये अगर तुम सही दीन चाहते हो तो सूर ज़ुम्र की आयत को आपने सुना अल्लाह ने फ़रमाया अजीन यस्तम ऊन अल कौल असल में मोमिन वो हैं जो बात सब की सुनते हैं अगर आप हक पर हैं तो आप दूसरे मज़हब की किताबों से क्यों डरते हैं क्यों अपने मुल्क में आने नहीं देते क्यों उनकी मजलिसों में नहीं जाते कि जनाब इनकी मजलिसों में जाएंगे, तो आपका निकाह टूट जाएगा इनकी मजलिसों में जाएंगे, तो आपको ये हो जाएगा ये जो डराया जाता है ये इस्लाम में कत जायज़ नहीं है सब की बात सुने कुरान कह रहा है अलजीना यस तब ऊन अल कौल अहसन सब की बात सुनो मगर मानो उस बात को जो सही बात हो जो लॉजिकल बात हो जो अकल की बात हो जो मंत की बात हो और कुरान ने बार बार कहा हाथू बुरहान कुमिन कुन् तुम सादकीन अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेकर आओ उलाक लजीन हदा हमल्ला और उन्ही लोगों को खुदा हिदायत देता है जो बात सबकी सुने मगर माने वो जो सच की बात तो अब आपने देखा यह फिरका परस्ती ये ये टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म कहां से पैदा होता है कि दूसरे की बात सुनो ही नहीं जब आप दूसरे की बात सुनेंगे नहीं आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा किसी मजहब के खिलाफ किसी फिरके के खिलाफ तो ज्यादा क्या होगा नतीजा ये होगा कि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे आप खुद बातिल पर होंगे मगर आप दूसरों को बातिल समझेंगे सल बात पड़ी मोहम्मद मोहम्मद अली जानक इस्लाम में ज़र्रा बराबर ज़बरदस्ती नहीं है टेररिज्म नहीं है गर्दी नहीं है इस्लाम दीन अमन है अमन का दीन है अमन का पैगाम है मोहब्बत और भाईचारे की बात है देखिए किस तरह से हो सकता है इस्लाम ने कितनी सख्ती से ये हुक्म दिया है ये प्यार का मजहब है ये मोहब्बत का मजहब है यह लॉजिक का और दलील का मजहब है सूर नहल मेरे शाद होता है सोलहवीं सूरा है एक सौ पच्चीसवीं आयत है मेरे महबूब अगर तबलीग करें किस तरह से तबलीग करें क्या ज़बरदस्ती इस्लाम में है हरगज़ नहीं है उद और रब का बिलहिकम हसना मेरे महबूब अगर आपने किसी को इस्लाम के लिए बुलाना है तो हिकमत के साथ और बहुत बेहतरीन मोज़े और नसीहत के साथ प्यार से बुलाना है वजा दिल होम बिल्लती ही अहसन अगर मुनाजरा भी हो जाए अगर मुजादिला भी हो जाए तो देखिए इतना अच्छे से जो अच्छा तरीका हो प्यारे से जो प्यारे अल्फ़ हैं ना उनके ज़रिए से आपने काफ़िर को समझाना है मश्रे को समझाना है तो यहाँ तक अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है कि आप अगर किसी से मुनाजरा कर रहे हैं तो आपके लहजे में सख्ती नहीं होनी चाहिए जब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि लहजे में सख्ती ना हो तो इस्लाम इसकी इजाजत कहां देगा कि आप तलवार के जरिए से इस्लाम को फैलाएं वाले मोहम्मद इसीलिए जितनी जंगें हमारे प्यारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं वो सब दिफा में की हैं डिफ़ेंस में की हैं हमारे रसूल खुदा ने किसी पर हमला नहीं किया किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया बल्कि अगर मुसलमान बने हैं तो हमारे प्यारे नबी के अखलाक़ के ज़रिए से उनके किरदार के ज़रिए से उनके मौजदा के ज़रिए से शलवा पढ़ी मोहम्मद लिहाज़ा बहुत ज़रूरत है कि हम इस फ़िरका परस्ती की लानत को ख़त्म करें इससे आज इस्लाम बदनाम हो रहा है आज कहाँ टेर्रज़म की निजासत और कहाँ इस्लाम की पाकिज़गी आज इस्लाम पर यह धब्बा लग रहा है नवज़िल्ला इस्लाम में दहशत गर्दी है अजीदा नगरामी हरगज़ नहीं लिहाजा कोशिश ये करें कि जो मज़ाहिब इस तरह से रोक रहे हैं कि आप दूसरे मजहब की बात न सुने इनके लिए लाजिम है कि ओपन डिस्कशन होने चाहिए टी वी पर ओपन डिस्कशन होना चाहिए दोनों मज़ाहब की किताबों को पढ़ें ताकि पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है देखिए शैतानी मज़हब में ये चीज़ें होती हैं लड़ना लड़ाना कत्ल करना गारत करना अल्लाह के मज़हब में इजाजत नहीं है जितने दीन इलाही हैं गॉडली रिलीजन है उसमें प्यार और मोहब्बत की बात है अमन मोहब्बत की बात है मैंने अर्ज किया अगर खुदा चाहता तो सबको मुसलमान कर देता लेकिन इस्लाम में जबर नहीं है फिर सारे हम फरिश्ते हो जाते कुरान ने कहा कि इन्ना नफ्स अम्बार तुम भी सू ए इंसान हमने तुम्हें नफ्स भी दिया है और उसके साथ साथ हमने तुम्हें क्या दिया है रूह भी दी है ये सीधा रास्ता भी है ये शैतान का रास्ता तुझे इख्तियार है कि तू अल्लाह के रास्ते पर चले या शैत कान के रास्ते पर चले इस्लाम में ज़बरदस्ती हरगिज नहीं है लिहाजा शैतानी मजाहिब का ये काम है कि फितना हो फसाद हो कत्ल हो गारत गरी हो लिहाजा कुरान कह रहा है होशियार हो जाए उन मजाहिब से जो इस्लाम की बात करते हैं अगर वो फ़ितने की बात कर रहे हैं अब फितना अशद मिनलकल अगर नफ़रत और अदावत की बात करते हैं तो ये मज़ाहब इलाही नहीं है बल्कि ये शैतानी मजाहब है क्यों इन नमा युरीदैतान कुरान की आयत है इन नमा युरीदैतान अं के अबैन को मुल्ल अदावत बलब्दा शैतान ये चाहता है कि इंसानों को लड़ाए देखिए हमारा खुदा एक है और एक ही दादा की सब औलाद है हज़रत आदम की ही औलाद है लिहाजा सब इस तरह से हम भाई हैं आपस में हम इस तरह से हमारे होने रिश्ते हैं लिहाजा नफरत कैसी होनी चाहिए ए खुदा है वही रिस्क दे रहा है वही हमें पाल रहा है तो ये शैतान लोग लड़ाना चाहते हैं अब देखिए है, अल्फाज हर मजहब के अलग अलग अल्फाज होते हैं टर्मोलॉजी होती है असिलाहत होते हैं जैसे मसला आप फिका है तो फिका की अपनी एक असलाह अपनी एक अल्फाज होते हैं इसी तरह से उसूल फिक्र है उसकी अपनी ज़बान होती है एक असलाहत होते हैं जैसे केमिस्ट्री के ख़ास लफ्ज़ होते हैं फिज़िक्स के ख़ास लफ्ज होते हैं जैसे सूफिया के राम हैं उनके ख़ास अल्फाज होते हैं उनकी ख़ास लुत होती है सीक्रेट वर्ड्स होते हैं लिहाजा क्या हुआ जो शैतान लोग होते हैं वो क्या करते हैं तहमत तो लगाते हैं अब वो अल्फाज हर मजहब के अलग अलग होते हैं मानी अलग अलग होती है मसल मुशतहद इश्ति का लफ्ज़ शीयों के यहाँ उसकी मानी और है सुन्नियों के यहाँ उसके मानी और है अब शैतान किस्म के लोग इसी चीज़ों को इस्तेमाल करके मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं जैसे बस सूफिया कराम है इबन अरबी हैं बहुत बड़े सूफ़ियों के राम के तमाम इन बड़े बड़े सूफ़िया कराम के लीडर हैं अब उनकी ख़ास जबान है जबान है अब ज़बान नहीं समझते हुए लोगों ने क्या किया उनको उन पर कोफिर का फतवा लगा दिया ये काफ़िर हालांकि वो इतने बड़े आलिम थे इबन अरबी कि आज यूरोप में उस पर पी एच डी हो रही है उनकी शख्सियत ऐसी कि सौ वालीम में तफ़ी कुरान लिखी है और एक हज़ार उसतादे तो देखिए ये क्यों शैतान लोग फितना करना चाहते क्यों कि इनका वास्ता खुदा से नहीं शैतान से है कि शैतान राजी हो जाए देखिए मैं मिसाल दूं बसर पाकिस्तान में भी अलग अलग इलाकों में जाए एक लफ्ज है मानी बदल जाती मियाँ साहब अब मियाँ साहब बाद इलाकों में अच्छा लफ्ज़ है अखलाक से किसी को बुलाना है लेकिन यही मियाँ साहब बाद जगह पर गाली बन जाता है बस एक बेचारा एक इलाके से आया उसके यहाँ मियाँ साहब अच्छी चीज़ है उसने आकर दूसरे इलाके में कहा भाई मियाँ साहब अब उस इलाके में ये लफ्ज़ ख़राब था अब फितना कराने वाला कहेगा कि आपको गाली दे रहा हालांकि वो कह रहा है आप साहब हैं आप मिस्टर हैं अच्छा नाम है अब इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो शैतान लोग हैं ऐसी चीज़ों से फ़ायदा लेते हैं कहते हैं देखो ये आपको गाली दे रहा है ये फुलां है ये फुला है सलवापुरी मोहम्मद वाले अब देखिए शी पर एक बहुत बड़ी गलत किस्म की तहमत लगाई जाती है कि सिया हजरात साहबा को नहीं मानते लग बिल्कुल झूठ है बिल्कुल फ्राड है जितने भी हमारे शिया हजरात हैं वह साहब का एहतराम करते हैं जिन्होंने अपनी जानों को फिदा किया अपने माल को फ़िदा किया भाई हमारा उनसे क्या झगड़ा हो जिन्होंने रसूल का एहतराम किया हम उनका एहतराम क्यों ना करें अब ये फितना क्यों होता है असल में यह है कि साहबी की तारीफ जो है वो खुद अहल सुन्नत के यहाँ भी एक तारीफ़ नहीं है पाँच छः किस्म की तारीफ़ है और शिया हजरत के यहाँ सहाबी की अलग तारीफ़ है अब जो फितना कराना चाहते हैं वो इसी को इस्तेमाल करते हैं कि देखो भाई शिया हजरत अहहाब को नहीं मानते ये बिल्कुल झूठ है अब देखिए अहले तसन्न में भी असहाब के बारे में तीन चार पाँच छः तक अलग अलग नज़रिए हैं अलग अलग तारीफ़ हैं कुछ लोगों ने तारीफ़ ये कि भाई सहाबी कौन है कि सहाबी वो है जो नबी को देख ले चाहे एक दिन का क्यों ना हो बच्चा ही क्यों ना हो अगर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो वो नबी का साहबी हो गया अब उलमा में ख़ुद इख्त है अहले सुन्नत के भी अब दूसरे ने का नहीं ये तारीफ़ सही नहीं है तो क्या फिर क्या तारीफ़ होनी चाहिए क्या सहाबी वो है जो नबी की जियारत भी करे और नबी पर ईमान भी लेकर आए साहबी है अब तीसरे गुरु ने कहा नहीं ये भी अभी कामिल तारीफ नहीं है साहबी की तो साहबी की क्या तारीफ है कि साहबी वो है जो नबी पर ईमान भी लेकर आए और नबी की मदद भी करे और नुसरत भी करे सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है जंगों में नबी को छोड़ के चला जाए तो फिर वो कैसा सहाबी है लिहाजा सहाबी वो है जो ईमान भी ले आए और बुरे वक्त में मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी करे ये अहले सुन्नत के उलमा की बात कर रहा हूँ कुछ उलमा ने कहा नहीं ये भी तारीफ अभी मुकम्मल नहीं है का कैसे मुकम्मल होगी कहा सहाब वह हैं जो रसूल खुदा की जियारत करें रसूल खुदा पर ईमान ले आएं और रसूल खुदा की मुश्किल में मदद करें और आखिर दम तक आखिर उम्र तक ईमान पे कायम रहें क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रसूल खुदा वसलम के जाने के बाद जक़ात देने से इनकार कर दिया और खलीफ़े अव्ल ने उनके खिलाफ जंग की और वो मारे गए तो अब कैसे हम उन्हें अहहाब कहें क्योंकि वो जिंदगी में तो ईमान ले आए मगर उसके बाद वो उन्होंने जकवात देने से इनकार कर दिया अब आपने देखा कि अहल सुन्नत के यहाँ भी अहहाब की तीन चार तारीफें हो गई अब अहल तशय के यहाँ क्या है अहल तशय्यो के यहाँ शी हजरा के यहाँ असहाब की कोई ख़ास तारीफ नहीं है बल्कि वही तारीफ है वही मानी है जो कुरआन ने जिस तरह से साहबी का लफ्ज इस्तेमाल किया है वैसे शिया हजरात इस्तेमाल करते हैं। कोई अलग हमने तारीफ नहीं की शिया मजहब में जैसे कुरान में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में क्या है क्या मानी में इस्तेमाल हुआ सोहबत में रहने वाला यानी कोई भी हो मोमिन हो तो भी वो सहाबी है अगर मोमिन नहीं है सोहबत में रहा है तो भी साहबी कुरान ने इस लफ्ज़ को इस तरह से इस्तेमाल किया है हत्ता के काफिर है नबी के साथ रहा है और ने उसे साहबी कहा है सूरह यूसुफ है सूरह यूसुफ की आयत का नंबर थर्टी नाइन है सूरह यूसुफ बारहवीं सूरा है और उसकी आयत का नंबर क्या है थर्टी नाइन है क्या हज़रत हज़रत यूसुफ़ल कह रहे हैं या साहिब ये ए मेरे क़ैद खाने के सहाबी ये कौन है ये साहबी वो है जो काफिर है मुसलमान नहीं है क्यों आगे आयत खुद कह रही है अरबाब मुतफर कूना खैरुन अमिल्लावाहदुल कहार एक खुदा अच्छा है एक खुदा पर ईमान लाना या कई मुख्तलिफ झूठे खुदाओं को मानना अच्छा क्योंकि वो काफिर थे मुशरक थे अब आपने देखा शिया हजरात जो है सहाबी के लिए अलग तारीफ कोई भी नहीं है जिस तरह से क़ुरान ने इस्तेमाल किया है उस तरह से हम इस लफ्ज़ सहाबी को इस्तेमाल करते हैं अब ये नहीं कि हम अब कराम को नहीं मानते लेकिन हमने अलग कोई असलाह नहीं बनाई है और अलग अलग असलाह बनानों से मुख्तल कभी इख्त भी हो जाते हैं कभी गलत फ़हमियाँ भी हो जाती हैं ये नहीं है कि असहाब को नहीं मानते हम जितने प्यारे साहब है उन पर ईमान लाते हैं मगर हमारे यहां असहाब का लफ्ज इस तरह से इस्तेमाल हुआ है जिस तरह से कुरान में हुआ है सलवा पड़ी मोहम्मद कि जो भी नबी के साथ रहे कुरान ने उसे सहाबी कहा है ईमान हो या ईमान ना हो कुरान ने जैसे सूर्य यूसुफ़ की यह आयत आपने सुनी सिर्फ बात इतनी है अब इसको जो फितना कराने वाले हैं वो इस मसले को बड़ा करते हैं देखो शिया हज़रा जो हैं वो सहाबियों की तोहन कर न नहीं नहीं नवज़बिल्ला कोई शिया सहाबा की कैसे तोहैन कर सकता है जिन्होंने अपनी जान अपने माल अपने बच्चों को फ़िदा कर लिया कैसे वो सच्चा मोमिन मुसलमान हो सकता है सिर्फ़ बात यह है कि हम सहाबी का लफ्ज़ उस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे कुरान ने इस्तेमाल किया है सलबात पड़ी मोहम्मद मोहम्मद तो अजीजा नामी ये इख्तलाफात शैतान किस्म के लोग पैदा करते हैं गलत फहमिया शैतान किस्म के लोग पैदा करते हैं लिहाजा जब नजदीक आके बात करेंगे तो अख्तलाफा दूर हो जाएंगे भाई हमारे यहाँ असहाब की मानी और है आपके यहाँ सहाबी की मानी और है और कुरान की एक आयत मैंने दलील में दे दी कि देखिए हज़रत यूसुफ ने काफिर को कहा कि तू मेरा साहबी है और अल्लाह ने कुरान में कहा तो हमने अलग कोई असलाह नहीं बनाई है ये नहीं कि हम अब कुर अब रसूल खुदा को नहीं मानते हम सब अब जितने वफ़ादार साहबी हैं जिन्होंने सच्चे दिल से रसूल खुदा पर ईमान लाकर और ईमान ही पर उनकी मौत थी उन सब असाब के हम कदमों की खाक अपनी आँखों पर रखने के लिए तैयार हैं सलवा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद लिहाजा आज ज़रूरत यह है कि हम मुसलमान मुतहद हो जाए इन इख्लाफात को ख़त्म किया जा सकता है जब हम नज़दीक मिल बैठेंगे अपनी अपनी ज़बान समझें असिलाहत समझें दूर रहने से क्या होगा शैतान भी फ़ायदा लेगा और शैतान किस्म के लोग भी फ़ायदा लेंगे और इख्तलाफ़ बढ़ाएंगे देखिए हमारे रसूल खुदा एक हैं आप सुन रहे हैं मैं चालीस शीह तफास से और चालीस सुन्नी तफासिर से आपकी खिदमत में इस आयत की तफसीर बयान कर रहा हूँ अब देख रहे हैं कि कोई इख्तलाफ़ नहीं है सारे मुतफ़ हैं सारे मुतहद हैं इज़ अज़ल सा नबीन कि ये आयत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल हुई है और तमाम अम्बिया पर हमारे नबी की इताअत वाजिब है उन पर ईमान लाना वाजिब है उनकी मदद करना वाजिब है अजीदान गिरामी हमें तो फ़ख्र है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जो सिर्फ़ हमारा नबी नहीं बल्कि कायनात का नबी है जो नबियों का नबी है जो अंबिया का नबी है जो फरिश्तों का नबी है तो ये हमारे लिए बाश फख्र है अब इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि चालीस चालीस शिया तफसीर और चालीस सुन्नी तफासिर ताकि आप अंदाजा लगाएं कि कोई भी मुतकीन के दरमियान नहीं जो लमह जोहला जो जाहिल हैं मुतासब हैं वो इख्तलाफ बढ़ाते अब आगे बढ़िए इसी आयत की तफसीर में तफसीर इब्ने कसीर ने सुन्नत की ये तफसीर है बहुत ही उमदाबाद कही बहुत अच्छा नुक्ता बयान किया क्या फरमाते हैं कहते हैं क्योंकि हमारे रसूल खुदा तमाम अम्बिया के इमाम हैं उनके सरदार हैं इसीलिए लिए में जब अल्लाह ने सुबहानल्जी असरा बब्दही मस्जिद मस्जिद अक्सा। जब अल्लाह अपने महबूब को मेराज के लिए ले गए तो एक लाख एक कम चौबीस हजार अम्बिया ने इस्ताल किया और हमारे नबी ने सब को आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई यानी हमारे नबी इमाम हैं तमाम अम्बिया के सारे अम्बिया पीछे नमाज पढ़ने वाले और हमारे नबी नमाज़ पढ़ाने वाले हैं अल्लाह अकबर देखिए कितना बड़ा मकाम है और इन उलमा ने लिखा सैदन तावीबी ने भी लिखा अहल सुन्नत के हैं कि इससे साबित ये हुआ कि तमाम अम्बिया का अपना अपना मकाम है मगर हमारे नबी तमाम अम्बिया के इमाम भी हैं और कयामत के दिन शफात का हक भी अल्लाह ने हमारे नबी कोता फ़रमाया है पढ़ी मोहम्मद वाले ने ग्रामी जरा सोचिए कि आदम से लेकर ईसा आलाम तक कोई नबी जब हमारे नबी जैसा नहीं हो सकता है तो कोई खाकी बशर नबी जैसा कैसे हो सकता वही महराज की बात हुई उसी में भी बहुत सारे दलाइल है एक दलील ये है कि जब एक मकाम ऐसा आया कि अब जबरील ने भी हाथ जोड़ दिए कहा सरकार अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता कहा क्यों पता था लेकिन यह बात आनी थी हम तक पहुंचानी थी अल्लाह के रसूल ने कहा जबरील वहाँ से लेकर यहाँ तक तुम पहले आसमान में मेरे साथ दूसरे आसमान में मेरे साथ सातवें आसमान पे अब तुम मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हो तो जबरील ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ये वो मकाम है ये आपका मकाम है इस मकाम पर कोई नबी नहीं पहुँचा इस मकाम पर कोई रसूल नहीं पहुँचा इस मकाम पर कोई इंसान नहीं पहुँचा मैं एक कदम भी अगर आगे बढ़ जाऊँ तो मैं जल कर खाख हो जाऊँगा अल्लाह अकबर कौन कह रहा है नूरी फरिश्ता कह रहा है भाई जबरील को तो सब नूरी मानते हैं ना नूरी फरिश्ता ये कह रहा है मेरे आका मेरे रसूल मेरे मौला ये वो मकाम है जो आपका मकाम है इस मकाम से अगर एक कदम आगे बढ़ गया तो मैं जलकर खाक हो जाऊंगा अल्लाह अकबर जबरील जबरील होते हुए नूरी फरिश्ता होते हुए नबी को अपने जैसा नहीं कह रहा अगर कोई खाकी इंसान कह दे तो कितनी बड़ी गलती है सलवाद पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद हाँ जी और रसूल खुदा उस मकाम से भी आगे चले गए तो नूरी फरिश्ता भी हमारे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता अब ये सारी तफासिर इंशाला क्योंकि चालीस तफासिर के अगर मैं नाम ले लूँ शिया और सुन्नी इसी में बहुत सारा वक्त निकल जाएगा बहुत सारों के मैंने दस बीस उससे ज़्यादा कुछ नाम आपको बता दिए लेकिन जिनको भी रेफरेंस चाहिए हवाले चाहिए बहुत अच्छे हैं जिनको तहकीक चाहिए ये हवाले इन शी वी पर मुसलसल आते रहेंगे कि ये तमाम शीह और सुन्नी हजरा इस आयत के बारे में मुतफ़ हैं और इन शह आहिस् आहिस्ता और आयतें जो इस आयत से रिलेटेड हैं वो आती चली जाएँगी और इसी तरह से चालीस शीह और चालीस सुन्नी तफासिर से आप देखेंगे कि जितने हमारे उलमा हैं, इनमें इतफाक और है। तो अगर इतहादान दहशतगर्दी जहालब को खत्म करना है तो तकबुल सारी किताबों का करना होगा ये सारी दूरिया नफरतें पैदा करती हैं और एक दूसरे से इंसान दूर होने लगता है फ़ासिले बढ़ने लगते हैं और शैतान को मौका मिलता है मैंने अर्ज़ किया जस्त जितने भी अल्लाह के दीन हैं यानी जो खुदा को मानते हैं क़्यामत को मानते हैं, नबियों को मानते हैं हम हाँ आज ज़रूरत है कि हम मिल बैठें आपस में मिलें आपस में जलसे हों आपस में गुफ्तगु हो ताकि पता चले कि मकसद एक सारे नबियों का मकसद एक था तो सारे नबी मुतहद थे तो आज उम्मत मुतहद क्यों नहीं असल बात पर महमद इमान जैसे हमने ये भी वादा किया है आपके साथ कि हम तोहीद, अदल नबुवत, इमामत क़यामत को बाइबल से भी साबित करेंगे कि ये जो पाँच पिलर हैं इस्लाम के ये बाइबिल में आज भी मौजूद हालांकि इतना इनराफ़ भी हो चुका इतनी आयतें निकाली भी जा चुकी हैं उसके बावजूद ये मौजदा है कि हमारे प्यार नबी का जिक्र मौजूद है मौला अली का जिक्र मौजूद है इमाम ज़माना का जिक्र मौजूद है इन आप सुनेंगे अब तोहद पर गुफ्तु हो रही है कि तोहद को आप वहाँ से साबित कर सकते हैं एक आयत नहीं दो नहीं दस नहीं बारह नहीं पंद्रह नहीं बीस तीस से ज़्यादा आयतें हैं जो सरासर तोहेद के बारे में हैं कल भी आपने सुना आज और सुनिए ये चैप्टर आज़ाइया है आजिया और इसका चैप्टर नंबर 44 और आयत नंबर सिक्स है और क्या इरशाद हो रहा है आई एम द फर्स्ट खुदा कह रहा है आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट अब वलो व आखिर मैं पहला हूँ मैं आखिरी हूँ आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड देर इज नो गॉड बट मी तो कितनी मरतबा है देयर इज नो गॉड बट मी देयर इज नो गॉड बट मी वही तो लाइला अल्लाह ला है यही लाह अल्लाह ला कितनी मरतबा तोहरात में देखेंगे कितनी मरतबा इंजील में देखेंगे फिर वही आजिया फोर्टी फोर इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं यही किंग जेम्स वर्जन में सेम लिखा हुआ है द लॉर्ड द किंग ऑफ इजराइल एंड हिज द लॉस्ट एंड बिसड मी देयर इज नो गॉड बिसाइड मी देयर इज़ नो गॉड यानी वाह शरीक अल कोई और मेरा शरीक नहीं कोई और खुदा नहीं है जो हम मुसलमानों का क़ीदा है और फिर यही आजिया चैप्टर फोटी फोर एट इसमें भी वही चीज़ है कि खुदा एक है और फिर चैप्टर इसी चैप्टर में फोटी फाइव वर्स फाइव आई एम द लॉर्ड एंड देर इज नो अधर देयर इज़ नो गॉड बट मी मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है एक ही खुदा है फिर यही बात रिपीट हुई है चैप्टर 45 फाइव इसी चैप्टर में और वर्स ट्वेंटी वन में एंड देयर इज़ नो गॉड बट मी अ ट्रू गॉड एंड अ सेवियर देयर इज़ नो अदर मैं ही तुम्हारा सेवियर हूँ मैं ही तुम्हारा मुहाफिज हूँ मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं है और मुसलसल फिर चैप्टर फोर्टी फाइव वर्स ट्वेंटी टू में ये चीज़ आ गई और अब आइए इंजील की तरफ चलते हैं मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 वर्स 17 एंड ही सेड टू हिम वाई आर यू क्वेश्चनिंग मी अबाउट व्हाट इज गुड हजरत सलाम कह रहे हैं वन देर इज हु इज़ गुड बट इफ़ यू हैव डिजायर टू गो इन लाइफ कीप द रूल्स ऑफ द लॉ हज़रत ईसी अब बहुत अजीब बात कहते हैं मेथ्यू नाइनटीन सेवनटीन में एंड से एंड ही सेड एंड टू हेम ईस्सी ने उसे कहा जिसने कहा कि आप बहुत अच्छे गुड मास्टर हैं वाई कॉलेस दो मी गुड ये किंग जेम्स वर्जन की पुरानी इंग्लिश है वाई कॉलेस दो मी गुड तुम तो मुझे गुड अच्छा क्यों कह रहे हो किसी ने कहा अच्छा गुड मास्टर तुम बहुत अच्छे मास्टर हो होजरत ईसा कोई चीज पसंद नहीं आई कहने लगे वाई कॉलेस दो मी गुड देर इज नन गुड बट वन देट इज गॉड कितनी अच्छी बात है कि जो हजरत सलाम ये नहीं पसंद करते कि मुझे अच्छा मास्टर कहो कहता कोई अच्छा नहीं अच्छा फकत खुदा है या इसको अगर इस तरह से कहें अरबी में तो इसका ये तर्जमा होगा कि ला जमील इला खूबसूरत फ़कत खुदा है अच्छा फ़कत खुदा है हजरत ईसा इससे बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उसे गुड मास्टर कहे तो वो कहाँ खुश होंगे अगर कोई उसे खुदा कहे सल बात परिमदी और वही सेम जो है फिर न्यू टेस्टामेंट ऑफ द मार्क चैप्टर नंबर टेन और वर्स एटीन में सेम